सलमान खान ने दिखाया मुनव्वर फारूकी को आयशा का असली चेहरा। सलमान खान ने कहा मुनव्वर फारूकी को बेवकूफ। वेल, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार एपिसोड में हमें देखने को मिला सलमान खान का गुस्सा आयशा पर फूटता हुआ नजर आता है। जी हाँ, सलमान आयशा से साफ पूछ रहे होते हैं कि उनका मोटिव क्या है इस शो में आने का। इसके बाद आयशा बताती है कि उन्हें मुनव्वर फारूकी से एक अपॉलोजी चाहिए थी जिसके लिए वो शो में आई। वेल, सलमान इस बात पर ये चीज पॉइंट आउट करते हैं कि अगर आयशा को सिर्फ एक माफी चाहिए थी तो वो शो के बाहर मुनव्वर के आने का वेट कर सकती थी। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर इन सारी चीजों का तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वेल, यहाँ पर सलमान मुनव्वर फारूकी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे, साफ तौर पर कह रहे होते हैं कि उन्हें लगा था कि मुनव्वर फारूकी शेर व शायरी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन है तो उनके अंदर दिमाग होगा, लेकिन मुनव्वर को इतनी सी चीज समझ में नहीं आई कि आयशा इस शो में आने के बाद सिर्फ उनका यूज कर रही है इस शो में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर सलमान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आयशा चाहती तो वो सारी चीजें बाद में मुनव्वर से पूछ सकती थी जब मुनव्वर इस शो से बाहर जाते, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि यह हाई टाइम है इन सारी चीजों को बोलने का क्योंकि उन्हें इससे शो में आने का मौका मिलेगा। पहले यहाँ पर सलमान ये बात भी पॉइंट आउट करते हैं कि आयशा ने उसी वक्त वो पॉडकास्ट क्यों दिया और क्यों उस बारे में बातचीत की जब बिग बॉस के घर के अंदर मुनव्वर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन सारी चीजों से उन्हें फायदा होगा। वेल, यहाँ पर मन्नारा भी सारी बातों से एग्री कर रही होती है। वेल, सलमान से आयशा ये कहती हुई नजर आती है कि उन्होंने मेकर से बातचीत की थी कि उन्हें गेस्ट के तौर पर शो में लाया जाए, लेकिन मेकर्स ने कहा कि वो शो में आयशा को कंटेस्टेंट के तौर पर चाहते हैं। वेल, यहाँ पर मन्नारा बताती है कि आयशा ने खुद उन्हें कहा था कि उन्हें चॉइस दी गई थी चाहे वो कंटेस्टेंट के तौर पर आए या फिर वो गेस्ट के तौर पर शो में आ सकती थी। वेल, सभी घर वाले ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आयशा इस घर में आई कि मुनव्वर का यूज करने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि मुनव्वर इस शो में पहले से और मुनव्वर के आने से उन्हें फायदा मिलेगा। वेल, यहाँ पर सलमान की बातों से मुनव्वर भी एग्री करते हुए नजर आते हैं और कह रहे होते हैं कि जब आयशा ने पॉडकास्ट का जिक्र किया तो उन्हें भी ये चीज लगी थी कि आयशा यहाँ पर सिर्फ अपॉलोजी मांगने नहीं बल्कि मुनव्वर का यूज करने आई है क्योंकि वो पॉडकास्ट उनके फ्रेंड के चैनल का पहला पॉडकास्ट था। वेल, आपका वेल सलमान यहाँ पर मुनव्वर को बेवकूफ भी कहते हुए नजर आते और कह रहे होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान भी होता तो वो ये चीज समझ जाता कि यहाँ पर आयशा मुनव्वर का यूज कर रही है। अगर मुनव्वर ने उन्हें कोई कमिटमेंट दी ही नहीं है तो वो इतना ज्यादा बुरा फील क्यों कर रहे हैं। वेल, आपका सलमान खान की आयशा और मुनव्वर के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।